आप पहले तो आपको चला पास मुझे एक चीज विशेष रूप से आपसे एक चीज पूछना है। हाँ? जो संस्कार जो पुराने थे, जैसे माताएं बहनें जो एक घंटे से माइक लिए हुए हैं। हाँ? सबसे पहले क्वेश्चन आप ये पूछे, ऐसी कितनी माताएं जो बहनें बेटियां हैं जो अपने सास और ससुर के पैर छूती हैं या पैर दाबती हैं, एक चीज। सही है। और दूसरा नंबर में ये कहना है, मैंने 35 वर्ष इस भिंड में शिक्षा का दान किया है, लेकिन शिक्षा को हम इस भिंड में बदल नहीं पाए, इसका कारण क्या है? संस्कार जो है लोप क्यों हो रहा है? एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, यदि किसी की माता से ये पूछा जाए कि लड़के को ये नहीं सिखाया जाता है कि बाबा का नाम क्या है, और उनसे पूछा जाए, अभी पूरी स्टोरी सब बता देंगे लेकिन उनके बाबा का नाम याद नहीं है, तो ये संस्कार जो है किस तरह से लोप हो रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, इसका कोई उपाय है क्या? इसका एक ही उपाय है, सत्संग। हमें अपने आप को, अपने बच्चों को सत्संग से, जो आजकल क्या हुआ, आधुनिकता में बच्चे इतने बह गए कि अपनी गीता और अपनी रामायण को छोड़कर इतने आगे निकल गए कि पता ही नहीं कि गीता है, पता ही नहीं कि रामचरितमानस है। आपकी संस्कृति इतनी श्रेष्ठ रही है लेकिन आप दूसरों से ज्ञान की भीख मांग रहे हैं, जबकि हमारा धर्म, हमारी शिक्षा इतनी श्रेष्ठ रही। आज भारत के बच्चे पढ़ने के लिए लंदन, अमेरिका, जापान जाते हैं, जबकि भारत एक जमाने में इतना समृद्धवान था कि सारी दुनिया पढ़ने के लिए भारत के दरवाजे खटखटाया करती थी, इतनी अधिक शिक्षा भारत में थी। लेकिन अब ना पढ़ने से सब चीजें समाप्त हो गई, लुप्त तो भय सदग्रंथ। ये आपने बनाया, वाह, तालियां बजाओ बच्चे ने, देखो खुश रहिए, सुंदर, बहुत सुंदर। आप जी जी बोलिए जी। छोटा क्वेश्चन एक और है, समय सभी को देंगे। हाँ। एक मनुष्यों के जीवन में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जीवन में पढ़ लिखने के बाद ऐसा संस्कार क्यों डाल दिया था? आदमी ममता मोह में लगा रहता है, ममता पैसा कमाने के चक्कर में लगा रहता है, उसका जीवन चला जाता है, इसका कोई उपाय है कम करने का? आज हमने कथा में क्या बताया कि हमारी शिक्षा चार प्रकार की थी, धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की, जिसमें आज स्कूलों में केवल दो पढ़ाई बची है, काम और अर्थ। आजकल बच्चों को केवल पैसा कमाना उद्देश्य बताया जा रहा है कि आप पढ़ लिख जाओ और पैसा कमाओ मौज मस्ती करो, इससे अधिक कुछ बताया ही नहीं जाता। काश बच्चों को ये बताया जाता कि पैसा कमा करके मौज मस्ती नहीं, धन कमा करके बेटा धर्म किया जाता है, तो धर्म की कोई बात बताई नहीं गई। अब पैसा है, आजकल के लोगों को पैसा मिल जाए तो गाड़ी खरीद लेंगे, बंगला खरीद लेंगे, है ना, और ज्यादा पैसा है तो अपनी पत्नी को छोड़कर और दूसरी स्त्रियों के संग रमण करने लग जाएंगे, नचनियों को बुलाकर नचाने लग जाएंगे। उन्हें ये पता नहीं है कि धन का इसके अतिरिक्त भी उपयोग है। आजकल पैसा कमाना बड़ा नहीं है साहब, पैसे का सही उपयोग करना, पैसे को सही जगह खर्च करना बड़ी बात है। आज लोगों को पैसा कमाना तो आ रहा है पर पैसे को खर्च करना नहीं आ रहा है। खर्च कहाँ हो? धर्म के लिए। राम जी ने यज्ञ किया, क्यों किया? धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ, जब युधिष्ठिर जी हस्तिनापुर गए, अपना इंद्रप्रस्थ बसाई, तो उन्होंने यज्ञ किया, उस यज्ञ में दुर्योधन भी आया था, और जिस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने पत्तल उठाने का काम किया था, ब्राह्मणों के चरण धोए और पत्तल उठाई, तो जब राजा बने तो समाज की सेवा में लग गए। पहले के लोग धन पाते थे तो क्या करते थे? समाज की सेवा करते थे। पहले के लोग कुआं खुदवाते, बावड़ियां बनवाते, प्याऊ लगवाते, पहले के लोग धर्मशालाएं बनवाते, पहले के लोग अच्छे कामों में पैसा लगाते थे। आजकल तो पैसा कमाया ही इसलिए जाता है कि पैसा कमाओ, फिर इसके बाद बड़ी गाड़ी खरीदो, बड़ा बंगला बनाओ, बड़े अभिमान एटीट्यूड से रहो, बस ये जीवन है, क्योंकि अर्थ और काम पढ़ा है, धर्म और मोक्ष पढ़ा ही नहीं, तो अधूरा है। खुश रहिए।
यूट्यूब पर फास्ट अपना मोबाइल निकाल लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो जरा से लोग बचे, जरा से लोग अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अभी ये परिवार 1,26,00,000 का आज। अब देखिए फास्ट तुरंत निकाल लो मोबाइल अपना, यूट्यूब पर जाओ, अनिरुद्धाचार्य टाइप करो और आप भी इस परिवार से जुड़ो। आपके देखते देखते अभी मैं आपको बधाई दूंगा जी।